वहीं पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में दिखाई देने लगा है। यहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा शिव मूर्ति को छूकर गुजर रही है। प्रशासन की तरफ से गंगा किनारे जल पुलिस की तैनाती की गई। बारिश की वजह से पिछले दो दिन से लोग अपने घरों में कैद हैं। प्रशासन ने गंगा किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। नैनीताल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानों के बीच से गुजरकर ये पानी की लहरें, तेज लहरें ये बताई जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नैनी झील अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो लोग वहां पर पर्यटन के लिहाज से पहुंचे थे वो अपने होटल में कैद हो गए। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार की अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस समय पहाड़ों का सफर बेहद खतरनाक है। गाड़ियां सड़क टूटने और लैंडस्लाइड की वजह से उनकी चपेट में आ रही हैं। कई जगह जहां तहां गाड़ियां फंस गई हैं। लंबे जाम जैसी स्थिति भी कई राजमार्गों पर बताई जा रही है। कोटद्वार की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर सतपुतली के पास दिल्ली की एक गाड़ी मलबे में फंस गई। बारिश की वजह से आए मलबे में कार किस कदर फंसी ये तस्वीरों में साफ हो रहा है। यात्री किस तरीके से अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए।